भाजपा नेत्री रागिनी सिंह को झरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट मिलने से झरिया कोयलांचल वासियों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बताते चले कि टिकट मिलते ही भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में ढोल नगाड़ा आतिशबाजी कर मिठाइयां भी बांट रहे हैं। वहीं जयरामपुर दुर्गा मंदिर स्थित बीती रात अमित सिंह, मोहन पांडे, राधेश्याम यादव जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। वहीं राधेश्याम यादव ने कहा कि इस बार कोई नहीं है टक्कर में, अगर कोई जीत होती है तो भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह की ही जीत निश्चित है, क्योंकि झरिया को बचाना है तो रागिनी सिंह को जिताना है। वहीं कल से आज तक कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है रागिनी सिंह के समक्ष। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगी, ये मुझे विश्वास है। और झरिया से खूबसूरत कमल फूल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने के काम हमारे झरिया की जनता करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और एक नहीं बल्कि हम लोग लक्ष्य लेंगे कि 81 की 81 सीट झारखंड में हम लोग का कमल खिलेगा ही खिलेगा, इसमें कोई दुराय नहीं। 2019 ये 5 साल में आप कहाँ देख रहे हैं इस बार पूरा हो जाएगा? देखिए, चूंकि हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे में कुछ कमी हुई होगी या कुछ गलतियां हुई होगी, जिसे मैं लगातार 5 साल में अपने से मैं प्रयास की हूँ। लगातार आप सब देखे हैं जिस तरह से मैं जनता के बीच रहकर मैं काम की हूँ, लगातार जिस तरह से मुझे लगता है कि हर पल हर समय ना धूप देखी ना छाव देखी, हर पल चाहे कोरोना काल हो या ऐसे स्थिति में भी हम काम किए जिस समय लोग घर से निकलने में लोग डर रहे। रागिनी सिंह को टिकट को लेकर हम लोग उसी का खुशी मना रहे हैं, उसी खुशी अपलक्ष में हम लोग बम पड़ाका सब फोड़ रहे हैं। हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं इसलिए पड़ाका फोड़ रहे हैं। तो भाजपा नेत्री का टिकट को लेकर मतलब काफी आप लोग में खुशी? एकदम बहुत ज्यादा खुशी है। देखिए, बच्चा भी है साथ में, भाई भी है साथ में, हम लोग कुछ कर रहे हैं। नहीं ठीक है, अपना नाम शुभ नाम बता। अमित कुमार सिंह, चुन्नू सिंह, हमको लोग प्यार से बुलाता है, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है ठीक है, क्या टिकट कंफर्म हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? आज भाजपा नेत्री का टिकट कंफर्म हो गया है, नरेंद्र मोदी जी कर दिए हैं, जिसके चलते पूरे झरिया विधानसभा में खुशी का माहौल बना हुआ है। हम लोग भी सब लोग एंजॉय ले रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब कि चुनाव कैसा? चुनाव काफ़ी मतलब आगे से बहुत अच्छा होगा और रागिनी सिंह जीत रही है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहन पांडे, जनता श्रमिक संघ, असंगठित सचिव।